नमस्कार दोस्तों, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 12 सितंबर के स्मैकडाउन शो की कुछ अच्छी और बुरी बातों के बारे में। इस हफ्ते के स्मैकडाउन की बात ही कुछ और थी और वहां पर कंपनी के चेयरमैन विंस मैकमैन करीब 4 साल बाद दिखे। तो दोस्तों इस शो की पहली अच्छी बात है, यह है शो की अगुवाई। केविन ओवंस का सेगमेंट देखने के बाद चीज़ मेरे ध्यान में आई कि वो शायद आखिरी रेसलर होंगे जिन्हें मैकमैन द्वारा फिजिकली पुश मिल रहा होगा। विंस के आने के बाद शो रोमांचक तो हुआ ही, साथ में उन्होंने केविन और सेन का मैच हेल इन ए सेल में फिक्स कर दिया, जिसे हम सभी देखना पसंद करेंगे। और बुरी बात यह रही कि पूरे शो में बॉबी रूड गायब रहे। समरस्लैम के बाद बॉबी रूड ने बड़े मोमेंट्स के साथ स्मैकडाउन लाइव में शानदार डेब्यू किया और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन वो पिछले 2 हफ्तों से दिखाई नहीं दिए, जिससे फैंस की नाराजगी देखने को मिली। फिर दूसरी अच्छी बात यह थी कि द उसोज वर्सेज न्यू डे का मैच। दोस्तों ये मैच इस रात का सबसे लोकप्रिय और शानदार मैच था, जिसे WWE यूनिवर्स ने बहुत पसंद किया। अगर इस टीम का मैच हेल इन ए सेल मैच में हुआ तो ये सेगमेंट बहुत अच्छा रहेगा। और इस शो की अगली अच्छी बात डॉल्फ जिगलर को लेकर है। डॉल्फ जिगलर काफ़ी समय पहले हील टर्न हो गए थे, लेकिन इस तरह काम करने में काफ़ी समय लगा दिया। जिगलर का नया गिमिक सबको गुस्सा दिलाने वाला है और शो देखने के लिए डेना वॉरियर भी मौजूद थी और उनके सामने जिगलर ने द अल्टीमेट वॉरियर की नकल उतार कर सभी को परेशान करने की कोशिश की, जिसका मतलब वे अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी उनका काम अच्छा ही रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना भूलना मत।